¿Cómo te digo? ¿Qué tal el día? ¿Cuándo me voy a decir? कितना काल धीरे धीरे चल रहा है और यहाँ पर तो समय कितना तेजी से चल रहा है। 1919 में महायुद्ध हुआ, 1941 में महायुद्ध हुआ, 30 वर्षों में जो 1000 वर्ष का गैप था वो 30 वर्षों में करने के लिए इतनी स्पीड में समय घूम रहा है और हम उसी स्पीड में अपने आप को सेटअप नहीं कर पाएंगे तो उनको प्राप्त नहीं कर। बड़ा तेजी से परिवर्तन आ रहा है, बयालीस का आंदोलन भूचाल था, एक भूकंप था पूरे भारतवर्ष में। यदि मेरे आंदोलन में आप सोचे होंगे और जो भी एक मैं देखा हुआ तो एक सिर्फ कटाने की एक धारणा था और कुछ मैंने माहौल में एक ही माहौल की सर कट जाए खत्म हो जाए पूरा बदलाव आ गया भूकंप का। ये जो समय का प्रवाह है बड़ा स्पीडली प्रवाह हो रहा है और इस स्पीडली प्रवाह में हम अगर उसी स्पीड में चलते रहेंगे कि आज नहीं तो कल साधना कर लेंगे, आज नहीं तो कल हमारे स्कूल में चले जाएंगे, अपने चले जाएंगे, अगले साल चले जाएंगे। तो स्पीड 1000 साल की जो स्पीड थी, 1000 साल का गैप था, वो 30 वर्ष में कन्वर्ट हो गया, 30 वर्ष में 5 वर्ष में कन्वर्ट हो गया। 47 का आंदोलन इतना ही तीव्र था पूरे भारतवर्ष का, 47 का आंदोलन इतना ही तीव्र रहा। ये सारे संसार में कितनी हलचल तूफान जो सर उसके बराबर आप अपने मैं के आप में चाहे कोई साधक है उस स्पीड में चलना पड़ेगा, वहां रुकने की गुंजाइश नहीं है, बहुत तेजी से तुम्हें अपने आप में दौड़ रहा है। इसलिए अगर आप सोचें कि मैं 6 महीने बाद भी काम कर लूंगा, 2 साल बाद हमारे लिए देख लूंगा, 5 साल बाद साधना भी कर लूंगा, इसमें आप इंतजार कर नहीं रहा। जो कुछ प्राप्त करना है उसी स्पीड में दौड़ना पड़ेगा जिसमें आपका उसमें जाएगा। पहले तो आदमी बड़ा ईजी था, आवश्यकता नहीं थी, चल रहा था 1000 2000 10000 साल बाद फिर कभी दिल रहा था दिल जला पूरी पत्ती पर एक चल मिलती और फिर शांत हो जाता। गीता युग में आई तो फिर द्वापर युग में आई और द्वापर युग के बाद में फिर 1919 में आई। उस बीच में कोई इतना महान युद्ध नहीं हुआ जिसमें पूरा भारतवर्ष या पूरा पृथ्वी या पूरा संसार इंधन हुआ है, तो नहीं हुआ पहले विश्व युद्ध नहीं हुआ। मगर वो जो 1000 साल 800 साल का डिफरेंस था 1919 से 1936 में राखी थी वो समाहित हो गया तो उसे पूरा संसार में लोग और तीसरा विश्व युद्ध में रोज नजारे बन रहे हैं और क्षेत्रीय स्पीड तो आप देख रहे 42 से 47 इतनी बात तो और तो बड़ा पूरा भारतवर्ष जिसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ये सारा समय का प्रवाह है, बहुत गतिशील प्रवाह है। इस बिंदु पर बहुत गहराई का सोचने का कि अगर समय को मैं नहीं पकड़ा तो समय आपकी कोई परवाह नहीं करेगा और ये सब कुछ मेरा लिखाया हुआ और आपका यहाँ बैठा हुआ सब कुछ नहीं देंगे सर। भगवान पद्मनाथ शंकर की साधना का यह शिविर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिविर रहा है। महत्वपूर्ण कई दृष्टियों से, एक तो हम ऐसे आराध्य के चरणों में बैठकर उनका
वर्ग है उसको प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरा पृथ्वी में कुछ ऐसी गोपनीय और महत्वपूर्ण साधनाएं प्राप्त हुई है जो वास्तव में दुर्लभ और अप्राथमिक है। यह भगवान शंकर की आप पर विशेष पता है कि मुझे प्रेरणा दी इस प्रकार की साधनाओं को व्यक्त करने की और आपको आशीर्वाद दिया कि जिसे आप प्राप्त कर सकते, क्योंकि इन साधनाओं का मूल्यांकन और महत्व हम गृहस्थ व्यक्ति आसानी से आंख नहीं सकते। इसका मूल्यांकन तो तब हो सकता है कि जब किसी उच्च कोटि के साधक या योगी के सामने इस बात को रखे कि ऐसी साधनाएं मुझे प्राप्त हुई, तभी वो इस बात को महसूस कर सकेगा कि ये साधक या तो बहुत उच्च कोटि के हैं तब इस साधना में प्रवृत्त किया गया है, और तब वो आश्चर्य अनुभव कर सकेगा कि 20-25 वर्ष साधना करने के बाद भी वो इस प्रकार की साधनाएं विधियां मंत्र और योग ज्ञात होते हैं। वे भगवान शंकर ने आप लोगों को प्रदान किए हैं, यह उनकी अहेतु आप पर कृपा है। इसीलिए ये सभी साधनाएं आप लोगों के जीवन में पुण्यदायक बने, श्रेष्ठ बने और जीवन को सफलता युक्त बनाने में सहयोगी। अगले शिविर अत्यधिक महत्वपूर्ण और कारगर शिविर, जहां तक मेरा अनुभव है, आज भारतवर्ष में पिछले 100 वर्षों में पहली बार ऐसा शिविर लगा। न कभी मैंने सुना और न कभी मैंने पढ़ा। कुंडलिनी जागरण से संबंधित शिविर तो शायद लगे होंगे, मगर सहस्त्रार जागरण से संबंधित शिविर पिछले कई 100 वर्षों से तो शिविर के रूप में नहीं लगे। व्यक्तिगत रूप से गुरु ने शिष्य को इस प्रकार की साधना ज्ञान दिया हो वह गलत है। परम संन्यास साधना एक अद्वितीय साधना है, जिस प्रकार से किन साधनाओं से किन युक्तियों से हम अपने जीवन के लक्ष्य तक सिद्धासन तक पहुंच सकें, ऐसे कौन से तरीके हैं, किन मंत्रों के माध्यम से किन क्रियाओं के माध्यम से हम उस स्तर को प्राप्त कर सके, इस स्तर को प्राप्त करने के बाद सिद्धासन में प्रवेश पाया जा सके, इसलिए उसका नाम तो कर्म संन्यास शिविर है, मगर सही अर्थों में वह जीवन का एक आश्चर्यजनक शिविर है जो उन स्थितियों उन कार्यों उन विचारों उन जीवनों और उन मार्गों का दिग्दर्शन करा सकेगा, जिसके माध्यम से हम उस स्थान पर पहुंच सके जो हमारा अभीष्ट लक्ष्य रहा।
गुरु साधना और गुरु का महत्व तो हम एक लोग समझ भी नहीं सकते। गुरु और शिष्य क्या होता है इसको समझने के लिए एक दूसरी और एक ही और दूसरी आंख की जरूरत होती है। उस दूसरी आंख से हम गुरु को समझ सकते हैं, दूसरे प्रकार के अवैध से ही हम उसका मूल्यांकन आंक सकते हैं। जो अपना सब कुछ बांटने के लिए तैयार रहता है, एक ऐसा संबल, एक ऐसा सहारा हर क्षण हमारे पास रहता है जो हमें बराबर अभिभूत किए रहता है। पांडे जी अभी गुरु से संबंधित स्तुति पढ़ रहे थे और मैं उन पंक्तियों के बीच मेरा चिंतन, मेरा ध्यान एक क्षण के लिए उस स्थान पर पहुंचा जब मैं शिष्य था और गुरु के चरणों में। मैं सोचता हूं कि मैं अपनी सारी जिंदगी तोड़ करके भी ऐसे क्षणों को वापस प्राप्त नहीं कर। मैंने तो जिंदगी के गुरु के रूप को भी देखा है, देख रहा हूं, और शिष्य के रूप को भी देखा और महसूस किया। वास्तव में वह एक अद्भुत और आश्चर्यजनक आनंददायक दृश्य बिंदु विधान होते हैं जब हम अपने गुरु के पास होते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। एक ऐसा सहारा, एक ऐसा संबल मन में बराबर रहता है कि कोई हमारा है और अपने आप में पूर्ण हो, जो किसी भी रूप में हमें पीछे चलने के लिए बाध्य नहीं करता, जो बराबर हमें आगे बढ़ाने के लिए तेज करता है, जो हमारे सुख दुख में सहायक है, जो हमारी बात सुनता है हमारे बीच। मगर एक क्षण को शायद मेरे लिए खत्म हो गए हैं, क्योंकि किसी को सम्मान मिलने से वह सब कुछ आनंद समाप्त हो जाता है जब वो निर्मल रूप में शिष्य रहता है। अब अगर मैं जाता भी हूं तो अन्य गुरु भाई एक दूसरे प्रकार से सम्मान देने लग जाते हैं, एक दूसरे प्रकार से बातचीत करने लग जाते हैं और मुझे वो बड़ा बहुत अच्छा लगता है। मैं वैसा ही चाहता हूं जिस रूप में था, मगर शायद जीवन की एक क्षण प्राप्त होंगे। भगवान शंकर से यही बारंबार प्रार्थना है, मेरा सब कुछ लेकर के भी मुझे एक क्षण वापस लौटा दें जब मैं उनके चरणों में बैठ सकूं, उसे प्राप्त होने की चिंता कर सकूं और जीवन प्राप्त का सारा उत्साह वही स्वाध्याय में और दूसरों को साधनाओं में उच्च कोटि की अद्वितीय साधनाओं को सिखाने में व्यतीत कर। और मैं सोचता हूं कि यही जीवन का उत्कर्ष है, यही जीवन का पुण्य है कि हम शिष्य बने रह सकें,
जुलाई अंत में मैंने उन दोनों पत्रों का समावेश किया है जो सन्यासियों ने लिखा है, जो दोस्त शिष्यों ने लिखा है। उन्होंने गुजरात में धूमधाम करके, महाराष्ट्र में विशेषकर धूम करके, प्रामाणिक 25,000 हस्ताक्षर करवा करके इस बात का और इस बात की अपनी अभिव्यक्ति दी है कि मैं गुरु चाहिए। उनकी एक लाइन कल एक बहनी का पत्र मिला था, एक शिक्षा का वह शिक्षा का, और वो एक पंक्ति मुझे बराबर 24 घंटों से मचती रही है। उसमें लिखा है कि उन सन्यासी शिक्षकों को फिर भी यह एहसास था कि कभी कभी हमारे गुरु हमें मिल जाएंगे, मगर हम किस एहसास के भरोसे जिंदा रहे। मैं तो यह भी एहसास नहीं करे की वेदना है, एक हस्ताक्षर है, अपनी अभिव्यक्ति है, अपनी बात। इसीलिए कितने क्षण हमारे साथ जीत जाए वही क्षण हमारे अन्यथा तो वही जीवन है, वही घूमना है, चारों तरफ कल की तरह चक्कर लगाना है और मृत्यु का प्राप्ति है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया और करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों में वो चेतना व जागृति पैदा हो सके, जो सिद्धासन तक पहुंचने के लिए एक आवश्यक है। और कई अर्थों में तुम्हें मेरे मन की बात भी पूछी जाए तो मैं आप सबको वहां सिद्धासन में देखना चाहता हूँ, फिर वही आनंद हो, वही आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूँ और मैं गर्व से कह सकूं कि मेरे शिष्य हैं जिन्होंने अपने प्रयत्नों से साधना की पुस्तक को प्राप्त करके यहाँ तक पहुंचा। और यदि इसमें कोई भूमिका आपके जीवन में रहती है तो आपकी भूमिका नहीं है, वो मेरी भूमिका मैं समझता हूँ। शायद मुझ में ही कोई कमी है कि मैं आपको पूरा नहीं कर सका, क्यों नहीं बना सकता। आपने तो पूरा प्यार दिया है, पूरा स्नेह दिया है, एक एक क्षण समर्पित किया है और इतना इतना कुछ दे दिया है कि कई बार मैं तो दौड़ा जाता हूँ और बराबर अब तो कुछ ऐसा लगने लगा है कि क्या धीरे धीरे हो रहा है, अपने आप को मैं पूजा नहीं पा रहा हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि आप मेरे हैं और ये शब्द बहुत बहुत गहरे, किसी को अपना कह देना तो मामूली बात नहीं है। कभी आप अपने जानते कि देखिए कभी मेरा एहसास मालूम हो पाएगा, मैं तो बीत रहा है और देखते देखते 6 महीने हम बिता दिए, जिंदगी से लगा सकते कुछ पता ही नहीं चला, और इसी प्रकार देखते देखते वापस अगला दिन जुलाई आ जाएगा।
और हमेशा अपने बिछुड़ने का एक क्षण आ जाएगा। कहाँ आप हुए, कहाँ मैं हूँगा, मतलब मैं कहीं पर भी रहूंगा, आप लोगों को भी अपने पुत्रों को तो बुलाई नहीं पा, न बुला पा रहा हूँ, न बुला पाऊंगा और न भूलना चाहता हूँ। और मेरे पास और है भी क्या, किसी ने और उनका प्यार है, उनका मुक्त है और उनका दुख नहीं है, इसीलिए मैं हिमालय से भी रखा है कि उस प्रकृति के बीच में मैं अपने पुत्रों से मिल सकूं, बात कर सकूं, समझा सकूं, देख सकूं, दिखा सकूं। और इसीलिए मैं बार बार नहीं कहता हूं कि मेरा जीवन और जीवन का प्रत्येक कण शरीर का रोम रोम आप लोगों के साथ फिर भी है, शरीर आपका ही है, गुरु भी आपके ही, जैसा आप चाहें जिस प्रकार से भी क्या तमन्ना इतनी जरूर है कि अपनी आंखों से आपको पूर्ण देख सकूं, सिद्ध देख सकूं, जीवन में पूर्णता प्राप्त किए हुए देख सकूं। अगर मेरे प्राणों को देख के भी मैं आपको पूर्णता दे सकूं तो मेरे लिए तो बड़ी बात है। मैं आपको अपने हृदय से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, आप जहाँ कहीं भी रहें, किस रूप में भी रहें, बराबर याद बनी रहे, हमारा ये धागा, ये संपर्क, ये स्नेह संबंध टूटने के लिए नहीं बने। बहुत पायर और कमजोर बेबी से लेते हुए जुड़ना बहुत कठिन होता है, तोड़ना तो बहुत कठिन होता है। मैं तो आपको अपने प्राणों के साथ आशीर्वाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ, मेरा सब कुछ आपको प्राप्त हो जाए और आपको तो एक बार फिर आपको Thank you.
Thank you.
Thank you.
नाम हर रंग लागो हर रंग लागो आ गया तिहाया उन्हें पानी ना पलाया जटी खोले की फेरी के बारे धारा त्रिंगा टूट दिया कर मुगलर दिया नारा त्रिंगा टूट दिया मर की नार मुझे आरा त्रिंगा टूट दिया